हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज की इस सेशन में हम लोग 8 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस जीएस के हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। अब देखो, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप आईएएस पीसीएस की कर रहे हो या आप एसएससी जीडी टीचर दरोगा रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की क्यों ना कर रहे हो या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ये उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछोगे क्यों है इंपॉर्टेंट, इसलिए है इम्पॉर्टेंट क्योंकि देखो, आप सभी को ये पता है कि अब जो कंपटीशन है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। ईयर बाय ईयर, डे बाय डे जिन भी एग्ज़ाम्स के जो रिज़ल्ट आते हैं उनकी कट ऑफ जो है आसमान छू रही है और उसको क्लियर कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो हम लोग जो है उसी लेवल के और उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो आपकी कट ऑफ को क्लियर करवाएंगे, ठीक है। तो हमने एक सीरीज़ शुरू करी है जीएस की सीरीज़, ठीक है। अब अगर आप लोग इस जीएस की सीरीज़ को फॉलो करते हैं, इसमें सिर्फ 8 क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, इनको हमने अच्छे से थोड़ा सा डीप से पढ़ा रखा है। उनके साथ साथ जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एनालिसिस के साथ, इनके जितने क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्ज़ाम में बनकर आ सकते हैं, हमने उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं। और जब आप हमारी सीरीज़ को पढ़ लेते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि आपके सामने किसी भी तरह का क्वेश्चंस क्यों ना आ जाए, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में क्यों ना आए, तो आप उसे छोड़कर तो बिल्कुल नहीं आएंगे, उसे आप अटैम्प्ट कर आएंगे। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास है आप लोगों के लिए, आपके इस जो तैयारी का जो सफ़र है, कि आपकी हम इस सफ़र को थोड़ा आसान बना पाएँ। तो आप हमें भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम लोगों को थोड़ी सी नई वीडियोस बनाने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारी बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ में, ठीक है। तो ये और हम आपके लिए और नए इनिशिएटिव भी ला सकें, वैसे हम लेकर भी आए एनसीईआरटी वगैरह वगैरह में आपके जो वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो ये जो अभी जो सेशन जो चल रहा है ये वाला, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, उसके बिल्कुल ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखो ये जो पहला क्वेश्चन है ये हम लोगों ने अपनी कम्युनिटी से लिया है। हम लोग कम्युनिटी में भी क्वेश्चंस देते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस पहले से ही हो जाए। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, टेंडन कनेक्ट्स, कि कंडरा मतलब टेंडन जोड़ता है, किसको जोड़ता है। तो अब देखो यहाँ पर 90% बच्चों ने तो ये सही करा है, लेकिन 10% जो बच्चे हैं उनको कन्फ्यूज़न है, ठीक है। तो अब इस कन्फ्यूज़न को दूर कर देते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस के ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अब देखो, इसका वैसे तो सही आंसर यही है कि टेंडन किसको जोड़ता है, मसल को बोन से जोड़ता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब मांसपेशी को किससे जोड़ता है, हड्डी से जोड़ता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न था कि बोन से बोन, किसी ने बोन से बोन लगा दिया है, तो कईयों ने मसल को मसल से लगा दिया, मतलब मांसपेशी को मांसपेशी। तो अब इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। चलो देखो, अब ये देखो, आप सभी को पता होगा कि ये देखो, ये है हमारी बोन, ठीक है, ये है ये देखो ये बोन है, बोन मतलब हड्डी, ठीक है ना। अब ये हड्डी है, अब उस हड्डी के ऊपर क्या लगी होती है, उस हड्डी के ऊपर होती है मसल, मसल मतलब मांसपेशी, ठीक है। अब ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये मेन मसल होती है, क्या होती है, मसल मतलब मांसपेशी है ये। अब देखो, जब भी हम लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में या इवनिंग में, आप में से कई लोग एक्सरसाइज करते हैं, है ना, डंबल वगैरह उठाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप डंबल वगैरह उठाते हैं या फिर पानी से भरी हुई बाल्टी उठाई या कुछ भी, आपने कोई भी काम करा दिन भर में, सुबह से उठकर ब्रश करा, कुछ भी करा, कोई भी सामान उठाया रखा, उठाया रखा, गाड़ी चलाई, कुछ भी करा, तो वो सभी काम करने में हमारी मसल यूज़ होती है ना, ठीक है। अब जब हम जिम में जाते हैं तो भी हम लोग डंबल वगैरह उठाते हैं, जिससे कि हमारी मसल जो है वो हमारी मसल बन जाए। तो उनमें जो मेन काम करता है, वो मेन काम कौन करता है, वो हमारी मसल करती है। मतलब नीचे के लेवल से हमने डंबल उठाना शुरू करा, यहाँ लेकर आए और फिर यहाँ लेकर आए, तो जो मेन जो काम होगा ना वो हमारी इस मसल में होगा, जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। मतलब कि मसल का ही, मसल जो होती है वो काम करती है कैसे, फंक्शन के साथ, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मतलब कि छोटा और बड़ा होना, ठीक है। मसल का मतलब हो गया मांसपेशी। तो मेन काम किस में हो गया, हमारी मसल ने करा, किसने करा, मसल ने करा, ये जो लाल लाल रंग की दिख रही है, ठीक है, ये मसल है, मतलब मांसपेशी है। तो ऊपर से हमने डंबल उठाया, जिससे कि हमारी मसल जो है वो और डेवलप हो जाए, ठीक है ना। प्रोटीन वगैरह खाते हैं हम लोग, सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो हम क्यों जाते हैं, अपनी मसल को डेवलप करने के लिए जाते हैं, कि वो और ताकतवर हो जाए, है कि नहीं है। तो मेन काम किसने करा, मसल ने। अब लेकिन सिर्फ अकेली मसल कुछ नहीं कर सकती,
उसके साथ उसको जो सपोर्ट देता है तो वो देते हैं टेंडन्स। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के ये हमारे टेंडन है। ये क्या है? टेंडन। देखो ये जो वाइट वाइट रंग का दिख रहा है ये क्या हो गए हमारे? ये टेंडन हो गए। अब ये जो टेंडन है ना, ये इस मसल को इस हड्डी से जोड़ेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। इतनी ज़्यादा पक्का जोड़ बनाते हैं ये कि इसको तोड़ पाना मुश्किल है। जब बहुत ही ज़्यादा कुछ, बहुत ज़्यादा चोट लगे किसी के, तब जाके इसमें इंजरी होती है, ठीक है। अब इसकी इंजरी को सही होना बहुत मुश्किल होता है। वैसे आपने सुना होगा कि मांस में चोट लग गई है ना, मांस में चोट लग गई है या फिर हड्डी में चोट लग गई है। तो यहाँ तक कि ये कहना आसान है कि हड्डी की और मांस का फटना, इसकी हीलिंग बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन अगर टेंडन में चोट लग जाए ना या फट जाए तो इसकी हीलिंग का मतलब है कि मतलब इसका सही हो पाना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं, मुश्किल होता है। और कभी कभी इसमें ऑपरेशन की भी ज़रूरत होती है। तो अगर मसल या टेंडन में चोट लग जाए उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्प्रेन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? स्प्रेन बोलते हैं। तो हमने समझ लिया कि ये हमारी मसल होगी बीच की, इसी के अंदर सारे फंक्शन होते हैं जिससे कि हम लोग कोई भी दिन भर के सुबह से लेकर शाम तक के काम कर पाते हैं। और ये जो मसल और टेंडन और जो हड्डी से जोड़ा हुआ है ये एक पुली है ना और लीवर के ऊपर फंक्शन की तरह काम करता है, जो कि हम अपने फिजिक्स में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये अब समझ आ गया कि मसल क्या हुई और बोन क्या हुई और टेंडन क्या हुआ। तो टेंडन एक मसल को जोड़ता है किससे? एक हड्डी से जोड़ता है। एक मजबूत रस्सी सी है, फीता सा है, रस्सी सी है, ये वो चीज़ है, ठीक है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मल्टीपर्पज़ ऐप। एक ऐप के बारे में पूछा गया है जो कि हेल्प करेगा एस्ट्रोनॉट्स को गगनयान में और स्पेस फ्लाइट मिशन में, जो कि बहुत सारे काम करेगा ये ऐप, जैसे कि टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, ये सब करेगा, ठीक है। तो ये क्या है? एक बहुउद्देश्य ऐप है। बहुउद्देश्य मतलब क्या होता है कि जिसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, बहुत सारे काम हैं, और जो कि गगनयान के जो अंतरिक्ष में जो उड़ान के जो मिशन में जो एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं ना, ये उनकी हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और एक दूसरे के साथ संचार का भी काम करेगा। अब देखो इसको हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन से ही आइडिया लगा के सॉल्व करते हैं। अब ये इतने सारे काम कर रहा है ना, कि संचार कर रहा है, मदद कर रहा है, तकनीकी जानकारी दे रहा है, तो इसमें से कौन सा इसका नाम हो सकता है? ई छावनी हो सकता है, नाभ मित्र है, साक्षी है या सखी है? अब देखो नाम से तो ये आंसर आ रहा है इसका, सखी। और यही इसका बिल्कुल सही आंसर है। सखी मतलब क्या हो गया कि जैसे ये एक फ्रेंड की तरह काम कर रहा है, एक फ्रेंड बहुत सारे काम करता है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे गगनयान मिशन से जुड़ा हुआ है जो कि 2025 में छोड़ा जाएगा, और भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा गौरव का मूवमेंट होगा ये। तो ऐसे क्वेश्चन तो एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा हमसे, ठीक है। तो इस ऐप का नाम क्या हो गया? सखी हो गया इस ऐप का नाम। अब देखो इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। अब ये ऐप है क्या? देखो जैसे हम लोग डिजिटल घड़ियाँ पहनते हैं डिजिटल घड़ी, सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं, है ना, तो उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई आती है। कौन सी इन्फॉर्मेशन आती है? कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, हमारा हार्ट रेट क्या है, हमने कितने स्टेप्स चल लिए, कितने कदम हमने चल लिए, हमारा ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना है ना। तो ये जो ऐप है, अब ये तो हमारी डिजिटल घड़ी की बात हो गई, अब हम उस ऐप की बात कर लेते हैं जो यहाँ पर बनाई है। यहाँ पर ये जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं ना, जो स्पेस में जा रहे हैं, इन्होंने जो इनके जो कपड़े बनाए हैं, इनके जो सूट बनाया है, उस सूट के अंदर ही ये जो टेक्निक है, ये जो ऐप है, ये हमने ऐप लगा रखी है। अब ये ऐप जो है वो क्या क्या बताएगा? ये ऐप भी यही सब बताएगा जो एक डिजिटल घड़ी बताती है, जैसे कि क्या उनका ब्लड प्रेशर है, क्या उनका हार्ट रेट कितनी है, ठीक है, उनका ऑक्सीजन का लेवल कितना है, उनका हाइड्रेशन मतलब पानी की कमी तो नहीं है, ठीक है। अब हम लोग तो यहाँ पर नीचे धरती पर हैं, तो हम डिजिटल घड़ी का यूज़ करके अपनी हेल्थ का बारे में चेकअप कर लेते हैं, लेकिन ये लोग तो अंतरिक्ष में गए हुए हैं। कहाँ गए हुए हैं? स्पेस में गए हुए हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने इनके कपड़ों के अंदर ये ऐप ये चिप चिपका दी है ये, कि वहाँ से
इनका सारा कम्युनिकेशन नीचे बैठे हुए लैब्स में है ना, वहाँ से पूरा इनका कम्युनिकेशन यहाँ पे होता रहेगा। और ये अपनी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी जो डिस्कवरी वगैरह है, क्योंकि वहाँ जाके ये लोग क्या करेंगे, ये लोग लेबोरेटरी, वो सॉरी, वहाँ जा कर के ये लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। तो अगर ये हेल्दी नहीं रहेंगे तो क्या ये आपको लगता है एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ के लिए पूरा कम्युनिकेशन यहाँ से वहाँ और यहाँ से यहाँ होता रहे, ठीक है ना, हमारे एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह से होते रहें, इस चीज़ के लिए ये ऐप बनाया गया है, ठीक है। इनके हेल्थ में कोई इश्यू अगर आ रहा है तो यहीं से सीधा साइंटिस्ट जो बैठे हुए हैं ना, वो ये लोग सॉल्व करते रहें, ठीक है। तो ऐसी एक ऐप बनाइए और उस ऐप का नाम है, क्या नाम है, सखी ऐप, क्योंकि ये एक सखी की तरह ही काम कर रहा है ये ऐप, तो सखी ऐप हो गया। तो आशा करती हूँ कि अब ये चीज़ आप लोग नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो हमारा जो चैनल है, हमारे चैनल में हम लोग GS के MCQs जो मैं आपको करवा रही हूँ इसकी सीरीज़ तो है ही, ठीक है, प्लस पॉलिटी के भी हम लोग करवाते हैं, 10 MCQs करवाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और डिटेल में करवाते हैं। आपको ये क्वेश्चंस करते वक्त किसी भी बुक या किसी भी इंटरनेट को देखने की, छानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम लोगों ने थोड़े दिनों पहले NCERT की सीरीज शुरू करी है, उसमें हम लोग NCERT के MCQs करवाते हैं और दूसरे में NCERT को थोड़ा सा डिटेल में करवाते हैं, कि जिससे कि, क्योंकि NCERT बहुत ही ज़्यादा अब डिमांड में है, एग्जामिनर ऐसे ही पूछता है, NCERT से ही क्वेश्चंस पूछ रहा है, और MCQs के ज़रिए NCERT को ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करवा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में करवा रहे हैं, ठीक है। और करंट अफेयर की हमारी मंथली हम लोग मैगजीन निकालते हैं, अभी मार्च की अभी आने वाली है, तो आप उसको ज़रूर देखें। और जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए हम लोग मेंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आते हैं, ठीक है। और ट्रिक्स, और ट्रिक्स तो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद जाकर एक बार प्लीज़ मेरे कहने से इन ट्रिक्स को ज़रूर देखिए। हमने ये ट्रिक्स खुद बनाई हैं, कि जिस तरह से हमने पढ़ाई करी है हमने आपको वही चीज़ दी है, आप कभी नहीं भूलेंगे जो भी क्वेश्चन आप ट्रिक से कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल में जाइए, विज़िट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो इसमें थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेशनल पार्क या सेंचुरीज, जो कि नहीं है, किस में नहीं है, नॉट इन द राजस्थान में नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण, जो कि राजस्थान में नहीं है। अब देखो सरिस्का नेशनल पार्क, आप में से कईयों को पता भी होगा कि सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में है, ठीक है। इस तरह से सांबर, अब सांबर की तो हमने आपको ट्रिक भी बताई थी, तो ये भी राजस्थान में है, लेकिन राजा जी नहीं है, राजा जी कहाँ पर है, ये है उत्तराखंड में है, ठीक है। रणथंभौर, तो रणथंभौर भी राजस्थान में है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो गया, राजा जी, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है जो नहीं है, हमें यहाँ नहीं पर ध्यान देना है, तो पहले हम सही लगा लेंगे है, ये नहीं है, तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत बच्चे गलत करते हैं। ये है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दैट हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 4 मंथ, एक रेडियोथर्मी पदार्थ है जिसका आधा जीवन सिर्फ 4 महीने का है, ठीक है। मतलब कोई भी पदार्थ है वो 4 महीने में आधा हो जाता है, ठीक है। तो उस पदार्थ का 3/4 हिस्सा कितने दिनों में 6 हो जाएगा, मतलब 3/4 जो है वो कितने दिनों में डीके हो जाएगा, ये पूछा है। अब देखो इसको जो सॉल्व करने का आसान तरीका है, कुछ लोग फार्मूले से करते हैं, लेकिन फार्मूले से ना करके अगर ऐसे करें तो ज़्यादा आसान पड़ेगा, कि पहले हमने लिखे 1 कि हाँ पूरी एक क्वांटिटी है, ठीक है। अब 4 महीने में वो कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब उस आधा का भी आधा, यहाँ से यहाँ तक 4 महीने लग गए उसको आधा होने में, ठीक है, कितना बचा, आधा बचा है अभी। अब उस आधे का भी और आधा हो जाएगा, तो आधे का आधा कितना होगा, 1/4 होएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अभी 1/4 बचा हुआ है, यहाँ पर भी 4 महीने लग गए, तो 4 महीने यहाँ, 4 महीने यहाँ। अब देखो ये इतना बचा हुआ है, खर्च कितना हो गया, 6 कितना हो गया, 3/4 हिस्सा कितने का, इस पहले जो ये पहला पूरा था, पूरी एक चीज़ थी, 100% थी, तो 8 महीने में उसका 1/4 बचा हुआ है, और 3/4 क्या हुआ, 3/4 उसका खर्च हो गया, मतलब कि 6 हो गया, मतलब कि डिके हो गया, ठीक है। इस एक का पूरे का 3/4 है, तो अब टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया 4+4 बराबर हो गया 8 महीने, तो यही इसका क्या आ गया, सही आंसर आ गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट। अब ये देखो, ये जो है ना, ये आजकल एग्जामिनर जो है सैम्पल पेपर्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे कौन रिलीज़ करता है? इसे करता है IQAir। ठीक है, इसका सही आंसर क्या आएगा? IQAir आएगा। अब UNEP में देख लेते हैं कि UNEP कौन कौन से करती है। तो UNEP करती है एमिशन गैप रिपोर्ट। ठीक है, एमिशन के साथ साथ एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट भी यही करती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो कि है ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है, तो ये UNEP के इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो ये करती है। और एक है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, मतलब कि प्रकृति के लिए वर्ल्ड वाइड फंड। अब यहाँ प्रकृति है तो प्रकृति का मतलब हम लगा सकते हैं कि हमारी अर्थ, हमारा प्लैनेट, हमारी धरती। ठीक है, तो ये कौन सी है? ये है लिविंग। हम इसी के नाम से अंदाज़ा लगा के लगाते हुए चलेंगे, तो ये है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ हमारी धरती की बात हो रही है, अर्थ की बात हो रही है, पृथ्वी की बात हो रही है, तो ये है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। तो ये तो हमें याद करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें समझनी पड़ती हैं। दोनों को मेल मिलाप करके चलोगे तो सफलता 100% हमारे हाथ लगेगी। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन आता है, ये है काइरेप्टोरोफिली। काइरेप्टोरोफिली का मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, या पॉलिनेशन बाय विंड वायु द्वारा परागण, या फिर पॉलिनेशन बाय बैट्स चमगादड़ द्वारा परागण, या फिर है प्रोडक्शन ऑफ लीव्स पत्तियों का उगना? क्या आंसर है? अब कई बच्चों को ये पता भी होगा, लेकिन कई बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि काइरेप्टोरोफिली ये है क्या। तो काइरेप्टोरोफिली का सही आंसर है पॉलिनेशन बाय बैट्स। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बन के आते हैं। अब अगर इसके ऑप्शन में डी लगा होता और लिखा होता कि नन ऑफ द अबव, तो ज़्यादातर बच्चे इसको नन ऑफ द अबव ही कराते, क्योंकि वो ये नहीं सोच सकते कि बैट के द्वारा पॉलिनेशन होता है या फिर विंड के द्वारा। कई विंड के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को ऑप्शन में ना लाते कि चमगादड़ द्वारा भी क्या पॉलिनेशन होता है। जी हाँ, होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं काइरेप्टोरोफिली। अब देखो इसको डायग्राम में देख लेते हैं, ये क्या है? चमगादड़। यहाँ पर चमगादड़ पॉलिनेशन करेगा कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। ठीक है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स को क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन्स का मतलब होता है पराग। ठीक है, उनको ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? ये है पॉलिनेशन। तो एक फूल से दूसरे फूल में क्या करा? चमगादड़ ने करा। किसने करा? चमगादड़ ने। वैसे नॉर्मली जो हम अपने खेतों में या फिर इसमें देखते हैं, वो हम विंड के द्वारा देखते हैं, हवाओं के द्वारा देखते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन कर रहा है? यहाँ पर कर रहा है चमगादड़। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विंड करती है नॉर्मली, मधुमक्खी करती है, या ऐसे कोई भी कीट पतंगे करते हैं। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि चमगादड़ द्वारा करा हुआ काइरेप्टोरोफिली बोलते हैं उसे। अब देखो ये क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी विच इज सीन इन लाइट वेव। अब ये वो वाला गुण है जो कि प्रकाश तरंग में दिखाई देता है, परंतु ध्वनि तरंग में नहीं दिखाई देता। अब हमें यहाँ क्या ध्यान रखना है कि ध्वनि तरंग में ये नहीं है। ध्वनि मतलब क्या हुआ? जो भी कहीं से कोई भी आवाज़ आ रही है, हमारी आवाज़, किसी फैक्ट्री में से आवाज़ आ रही है, किसी मंदिर की घंटी में से, कोई किसी भी आवाज़ में, है ना। ये आवाज़ के गुण की बात करी जा रही है, और प्रकाश मतलब है लाइट की बात करी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है? जो कि ध्वनि में नहीं है, मतलब साउंड वेव में जो नहीं है। अब देखो आपको पता होगा कि डिफ्रैक्शन जो है वो लाइट और साउंड दोनों में होती है। इसी तरह से रिफ्रैक्शन भी लाइट और साउंड दोनों में होती है, लेकिन पोलराइजेशन नहीं होती। पोलराइजेशन सिर्फ लाइट में होती है, और इंटरफेरेंस ये भी होती है। ठीक है, अब देखो पहले हम देख लेते हैं कि डिफ्रैक्शन क्या है। डिफ्रैक्शन क्या होती है? देखो डिफ्रैक्शन के लिए, ये देखो डिफ्रैक्शन का हम लोग बनाते हैं। ये देखो अगर मानो कोई लाइट है यहाँ पर, ठीक है, तो लाइट हमने यहाँ पर टॉर्च मारी, डिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि चौकोर आकार का है, तो नॉर्मली क्या होता है, जब इस टॉर्च में से लाइट जाती है ना, तो यहाँ पर उसकी परछाई बनती है, पूरी काली काली। क्या बनती है? परछाई। लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि अब इस ऑब्जेक्ट के, इस वाला जो कोई भी पार्टिकल है, यहाँ पर उसके जो कोने हैं वो बहुत ही कैसे हैं, शार्प हैं वो कोने। ठीक है, शार्प कोने हैं। तो जब यहाँ से इस टॉर्च की लाइट जाएगी ना इसके ऊपर, तो यहाँ पर एक पैटर्न बनेगा, ना कि एक परछाई बनेगी। क्या बनेगा?
पैटर्न, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्रेक्शन। समझ आया? बस यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट के जो कोने हैं वो सारे कैसे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा पैने होने चाहिए, शार्प होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ उसकी परछाई ना बन के एक नया पैटर्न बनता है, उसको हम बोलते हैं कि मतलब वो लाइट यहाँ से मुड़ गई, इन कोनों से मुड़ कर, ठीक है, इन कोनों से वो लाइट मुड़ गई और अपना नया पैटर्न उसने बना लिया, वो डिफ्रैक्शन है। अब अगला क्या है? अगला है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन आप सभी को पता होगा कि जैसे मान लीजिए एक पानी से भरा हुआ ग्लास है, यहाँ पानी भरा हुआ है, अब जब लाइट ने एंटर करा एक मीडियम, मतलब ऊपर कौन सा मीडियम है, ऊपर है एयर मतलब वायु, और अंदर क्या है, अंदर है वाटर मतलब पानी, तो जब लाइट यहाँ से यहाँ आएगी तो वो यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो जाएगी, वो सीधी नहीं जाएगी, वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। जैसे कि हम सब ने क्या देखा होगा, पानी में अगर हम अपनी एक पेंसिल रखें, ठीक है, तो वो हमें टूटी हुई दिखती है, सीधी नहीं दिखती, कैसे दिखेगी, टूटी हुई पेंसिल दिखेगी वो, कि इसकी यहाँ पर हमने तोड़ के रखी है, ये हो गया रिफ्रैक्शन। अब एक आता है पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि देखिए ये बल्ब है, हमने माना ये बल्ब है, अब इस बल्ब में से जो लाइट निकल रही है ना वो चारों दिशाओं में निकल रही है, कौन सी दिशाओं में, चारों दिशाओं में, ठीक है, मतलब थ्री डायमेंशन में निकल रही है। अब ऐसी लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, अनपोलराइज लाइट बोलते हैं। लेकिन अगर हम इस लाइट को किसी भी तरह से एक प्लेन में ले आएँ कि वो सिर्फ एक ही प्लेन में निकले, हम उसका ऐसा अरेंज कर दें कि ये ऐसी सिर्फ सीधी सीधी ही निकले। अब देखो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होगा, आपने क्रिकेट मैच खूब देखा होगा, तो क्रिकेट मैच में क्या होता है कि जो क्रिकेटर्स होते हैं वो लोग क्या लगाते हैं, वो पोलराइज्ड ग्लासेस लगाते हैं, मतलब चश्मे पहनते हैं। तो हमें तो ये लगता है कि ये लोगों ने स्टाइल मारने के लिए चश्मे लगाए हैं, ठीक है ना, अपना फैशन दिखाने के लिए चश्मे लगाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो लोग क्यों लगाते हैं, क्योंकि उन लोगों को बॉल कैच करनी होती है, ठीक है, छक्के या चौके मारने होते हैं, सिक्सर ये सब मारने होते हैं, अपने जो क्रिकेट मैच के प्रदर्शन को बेस्ट बनाने के लिए, ठीक है, उनकी आँखें सूर्य के प्रकाश को देखे चुंदियाएँ ना, ठीक है, क्योंकि चुंदियाएँगी तो कुछ नहीं दिखेगा, उन्हें बॉल ही नहीं दिखेगी, कुछ भी नहीं दिखेगा, वो आउट पे आउट होते रहेंगे हर कोई। तो इसीलिए वो सभी लोग क्या पहनते हैं, ऐसे पोलराइज्ड ग्लासेस पहनते हैं कि उनमें से जब लाइट रेज जाती है ना पासों के, तो उनके पास एक एक ही फेज में उनकी आंखों तक पहुंचती है, जिससे कि उनकी जो आंखें हैं वो नहीं चुंदियाती और सूरज की किरणें उनकी आंखों में बिल्कुल नहीं चुभती, ठीक है। इसीलिए वो लोग ऐसे सनग्लासेस पहनते हैं जो हमें क्या लगते हैं कि उन्होंने फैशन में पहन रखे हैं। तो ये हो गया पोलराइजेशन। अब एक लास्ट है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस देखो कि हमने माना कि यहाँ पर दो वेव्स हैं, ठीक है, एक वेव ये है ए है और एक वेव है दूसरी, तो ये थोड़ी छोटी है, ठीक है, लेकिन दोनों एक ही फेज़ में हैं, तो थोड़ी दूरी में जाके क्या होगा कि ये दोनों मिल करके एक वेव बना लेंगी जिसका एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें इसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और फेज़ तीनों सेम होने चाहिए, आगे जाकर एक नई वेव बन जाती है। चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाँ, तो इसका सही आंसर क्या था, इसका था पोलराइजेशन, जो कि लाइट में होता है, साउंड में नहीं होता। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है इन अगस्त 1907 मैडम भीखा जी कामन बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू हॉइस्ट द इंडियन फ्लैग ऑन द फॉरेन सॉइल। अब यहाँ क्या पूछा है, अगस्त 1960 में मैडम भीखा जी कामन विदेशी धरती पर पहली भारतीय ध्वज फैलाने वाली महिला बनी थी, तो उन्होंने कौन सी विदेशी धरती पर ध्वज फहराया था, तो वो उसका सही आंसर है जर्मनी। जर्मनी के कहाँ पर, स्टटगार्ट में, ठीक है, स्टटगार्ट इन जर्मनी उन्होंने फैलाया, तो वो झंडा फहराया था, कौन सी तारीख थी, वो थी 22 अगस्त 1907 का दिन था। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला था, क्योंकि उस टाइम पर हम लोगों के ऊपर ब्रिटेन वालों का वो था, राज कर रहे थे वो हमारे पर, हम उनके गुलाम थे, तो वहाँ पर भीखा जी कामा ने क्या करा था, ह्यूमन राइट्स के लिए अपील करी थी कि हमें मानवाधिकार चाहिए, हमें इक्वालिटी, हमें समानता चाहिए, ठीक है, ये सब उन्होंने करा था वहाँ पर जाकर। तो वो जगह कौन सी थी, वो जगह थी जर्मनी स्टटगार्ट, ठीक। तो ये हमारे 8 क्वेश्चंस हो गए, आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, हैप्पी लर्निंग।